गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रोमांस ड्रामा मूवी लाया हूं, जिसका नाम है द मेड। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक 18 साल का एक लड़के को, जिसका नाम है जैक, जो अपने पिता के घर पर छुट्टी पे आया है। और जैक के पिता का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच का रिश्ता इतना अच्छे नहीं है। जब वो घर आने पर जैक के पिता डेविड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उससे ठीक से बात नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जैक अपने कमरे की बालकनी में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है, तब वो नीचे एक महिला को देखता है और वो उस महिला से बहुत अट्रैक्ट होता है और वो नीचे आकर उसे छुपाने लगता है। तब उसी समय डेविड वहाँ आता है और वो जैक को बताता है कि उस लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है और वो 40 साल की एक मिड एज लेडी है। बाद में डेविड ने जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके बाद जैक ने एक फोटो लेता है और अपने कैमरा के साथ बाहर जाता है, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। जब वो घर लौटता है, वो फिर से मारिया से मिलता है और फिर मारिया से बात करना शुरू कर देता है। तब जैक उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ का डिवोर्स हो गया था और फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और जैक को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी वजह से जैक अपने पापा से काफी नाराज रहता है। फिर अगले दिन जैक कुछ फोटोज लेने के लिए बाहर जाता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है और बाद में वो दोनों खूब बातें करते हैं और वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने शुरू करती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ से मारिया अपनी साइकिल से गुजरती है और वो उन दोनों को बात करते हुए देखती है। बाद में जैक उस लड़की को इग्नोर करके वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो चुपचाप मारिया की फोटो क्लिक करने लगता है और इसके बाद वो किचन में मारिया से मिलता है और मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है और मारिया पूछती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया और उसे उस लड़की के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। इधर धीरे धीरे जैक मारिया से और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और दोनों बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं। तब जैक उसे बताता है कि वो उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। फिर जैक मारिया को उसकी माँ की तस्वीरें दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखती है और दोनों बहुत सारे बातें करना शुरू करते हैं और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है और वो जैक से कहती है कि वो केवल 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और इस हालत में उसका लवर उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन इन सबके बावजूद उसने एक लड़के को जन्म दिया और सबसे दुखद बात यह है कि वो बच्चा अब मारिया के पास नहीं है। और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने सारे दुख दर्द के बारे में बताते हैं और यहाँ डेविड जैक के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, लेकिन अपने कई बिजनेस की वजह से वो जैक को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। जब वो जैक से बात करता है तो जैक उससे ठीक से बात नहीं करता है और उस पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन डेविड अपने काम के कारण शहर से बाहर जाना होता है और इधर मारिया और जैक अब घर में अकेले हैं और मारिया जैक को समझाती है कि डेविड उससे बहुत प्यार करता है और उसे उससे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। और उस रात सोते समय जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटो देखता है और फिर उसकी इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने के लिए घर आता है और मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है और जैक ने चुपके से उन दोनों की बात सुनता है और मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती और इसलिए उसने उसे मना करती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे है और जैक सुबह किचन में जाता है तो मारिया उसे बर्थडे विश करती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि वो उसे गले लगाना चाहता है और उसे छूना चाहता है। यह सब सुनकर मारिया को बहुत अजीब लगता है और वो उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद जैक उसे छूने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजने पर मारिया उसे थप्पड़ मार देती है तो मारिया जाकर दरवाजा खोलती है। तभी बाहर एक लड़की है, ये वही लड़की थी जिससे जैक बात कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। उसके बाद जैक उस लड़की के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता है और वो घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि मारिया रो रही है और वो उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और जैक मारिया से कहता है कि वो उसके बेटे की तरह है और वो उसे गले लगाना चाहता है। यह सुनकर मारिया मान जाती है और फिर दोनों गले मिलते हैं। तभी जैक उसे छूने लगता है और अब मारिया को ये सब अच्छा लगने लगा और वो जैक को छूने से नहीं रुकती। कुछ देर बाद इन सब के बीच मारिया जैक को रोकती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक उसके पीछे चला जाता है और मारिया उसे बताती है कि यह सब गलत है और मैं 40 साल का हूँ और आप सिर्फ 18 साल के हैं, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान लेती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और बाद में मारिया जैक को समझाती है कि उसे अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अगली सुबह जब मारिया रसोई में काम कर रही होती है तो जैक पीछे से आता है और उसे गले लगाता है और इसी बीच उसके पिता घर आ जाते हैं। तब जैक वहां से भाग जाता है।
जब वो घर आता है तब डेविड जैक को बर्थडे के लिए विश करता है और उसे एक बर्थडे गिफ्ट देता है और वो जैक को उसके साथ रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जैक खाने पर जाने के लिए इनकार कर देता है और गुस्से में चला जाता है। और बाद में मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने पिता से इस तरह बात न करे और वो मानता है। और उसी रात जैक अपने पिता के पास जाता है और दोनों कुछ वाइन पीते हैं। इसके बाद ड्रिंक करते हुए दोनों अपने दिल का इजहार करते हैं। और यहाँ डेविड को पता चलता है कि उसका बेटा सोचता है कि उसने फिर से शादी कर ली क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार नहीं करता था। तो डेविड जैक को यह समझाता है कि उसने दूसरी बार शादी की ताकि वो आपकी देखभाल कर सके। अंत में डेविड जैक से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा करेगा। इस बीच बात करते करते डेविड सो जाता है। फिर अगले दिन मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। फिर मारिया उसे अपने घर ले जाती है। दोनों घर में करीब आते हैं और फिर मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा बचपन में एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। ये सुनकर जैक उसे गले लगाता है और फिर दोनों वहीं इंतमत हो जाते हैं। उसके बाद जैक घर आता है और अपने पिता से अच्छी तरह से बात करता है। पहली बार जैक को अच्छी तरह से बात करते हुए देखकर डेविड भी बहुत खुश होता है। इसके बाद जैक की छुट्टी खत्म हो जाती है और उसके वापस जाने का समय हो जाता है। जैक फिर अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे जाने से पहले एक किस करता है। वो फिर अपने पिता से मिलता है और वो उसे भी गले लगाता है। इससे हमें पता चलता है कि जैक ने अपने पिता को माफ कर दिया है और उनका रिश्ता पक्का हो गया है। इतना सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है और वो अपनी माँ को बताती है कि वो गर्भवती है और उसकी माँ उसे गले लगाती है और रोने लगती है और जैक की वजह से मारिया प्रेग्नेंट हो गई। और आखिरी सीन में हमें मारिया को दिखाया गया है जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत खुश है और फिल्म यही खत्म होती है। तो ये थी द मेड की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।